इस वक्त हमारे साथ मैडम सलमा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। वुमेंस डे के हवाले से मेरी तमाम बहनों को भी वुमेंस डे बहुत मुबारक हो। वुमेंस डे इसलिए मुबारक हो क्योंकि उनके घरों में बहुत खूबसूरत माएँ हैं और जिन्होंने इनकी तरबियत बहुत अच्छी की है। प्लीज़ अपनी बच्चियों से कहें कि कुरान पढ़ा करें और उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें और देखें कि रब ने हमें क्या कहा है। दुपट्टा मर्द के लिए नहीं है, औरत के लिए है। मुझसे अगर ये बोलें कि मैं अपनी बेटी से कहूँगी तुम औरत मार्च के लिए जाओगे तो मैं मना कर दूँगी। बहुत प्यारा दिन जो कैलेंडर में गुलदस्ते की तरह तो सज गया, औरतों का दिन, और हम औरतों ने उसे मस्क कर दिया। शायद आएँ पहले अपने स्लोगन्स ठीक करते हैं, आएँ अपनी मांगे ठीक करते हैं, आएँ हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं। आज का दिन आपको चाहिए था उन डॉक्टर्स लड़कियों के नाम पे करना जो अपने घरों में अपने बच्चे छोड़कर आती थी और उसके बावजूद आके कोविड के पेशेंट को देखती थी। आप में से किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। आज का दिन हमने ज़ाया कर लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल बस के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, मार्च के महीने में खुसूसन 8 मार्च को पूरी दुनिया में हैप्पी वुमेंस डे मनाया जाता है। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ मैडम सलमा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट और उसी के साथ साथ साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, जिनसे इस बारे में बात करेंगे कि जो लोग इस मार्च में शरीक होते हैं, जो उनके मकासद होते हैं, जो उनके मौक़ होते हैं, वो दुरुस्त होते हैं या नहीं। और आगाज़ कुछ इस तरह करेंगे, एक स्लोगन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या ये स्लोगन दुरुस्त है? इस बारे में मैडम सलमा क्या कहेंगी, आइए जानते हैं। वुमेंस डे के हवाले से मेरी तमाम बहनों को भी वुमेंस डे बहुत मुबारक हो, लेकिन मेरे तमाम भाइयों, मेरे बच्चों को वुमेंस डे इसलिए मुबारक हो क्योंकि उनके घरों में बहुत खूबसूरत माएँ हैं और जिन्होंने इनकी तरबियत बहुत अच्छी की है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अगर इसके ऊपर मैं बहस ना करना चाहूँ कि इसे किस अंदाज में पेश किया गया, मैं उस पर बात ना करना चाहूँ, मैं सिर्फ इस स्लोगन की बात करना चाहूँ, तो भाई मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मेरी हेल्थ बहुत सख्त ख़राब है, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो प्लीज़ मुझे मेरी जान बहुत अजीज़ है, अब मैं या तो अपनी जान बचा सकती हूँ या मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैंने बच्चा नहीं पैदा करना। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। आप इसका मतलब ये पॉजिटिवली अखज़ करें। जो एक बात कहती जाऊँ आप सबको, हर बात में से पॉजिटिविटी निकाला करें प्लीज़। ऑलरेडी मुआशरे के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, इसमें से अगर आप नेगेटिविटी ढूंढने लगेंगे तो बस फिर आप यही करेंगे जो 4 साल से कर रहे हैं। ओके, एक और स्लोगन है और उसको इस तरह पेश किया जाता है कि आँखों पर दुपट्टा बांध लो, आँखों पर पट्टी बांध लो, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो वो वाली बात आ जाती है कि मैं दुपट्टा गले में लूँ, ऊपर लूँ, नीचे करूँ, इस पे मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कहूँगी प्लीज़ अपनी बच्चियों से कहें कि कुरान पढ़ा करें और उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें और देखें कि रब ने हमें क्या कहा है। ओढ़नियाँ कहाँ तक लेने के लिए कहा गया है, किस तरह समझाया गया है, इसलिए मैं कोई आलिम, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि जो ये फतवे लगा सकूँ और ये बात समझा सकूँ। दुपट्टा मर्द के लिए नहीं है, औरत के लिए है। मर्द के जिस्म में और औरत के जिस्म में फ़र्क रब ने रखा है। खुदा की कसम, इन मर्दों के आदमी होता तो उस पर भी ऑपरेशन करा के वे हमारे जैसे बन जाते, तो इसलिए इस काम में मत पड़े प्लीज़। वो बात मत करें जिससे बेहयाई फैलती है। ये था सारा कुछ उन औरतों के लिए जो उन इलाकों में रहती हैं जहाँ उनके पास तालीम नहीं है, जहाँ उनको सेहत से पीछे रखा गया हुआ है, उनके लिए कोई दवाई का इंतज़ाम नहीं है, उन्हें इन सबसे बड़ी बात है उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगी अपनी उन तमाम बहनों से जो इन बैनर्स को लेकर चलती हैं, उस रूहे रवां से कि जो जिनके होते हुए उनकी बात का मतलब गलत निकाल के लोगों ने ये बैनर्स उठाए। मैं मानती हूँ दुश्मन भी बहुत होते हैं जो आ जाते हैं बीच में और गलत चीज़ें लिखते हैं, इसलिए मैं पूरा आपको वो वे आउट दे रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर इससे कोई फ़ायदा मेरे मुल्क की किसी एक बच्ची को भी हो जाता है तो ठीक है, मेरे बच्चे जो है ना वो आंखों पे पट्टियाँ बांध लेंगे, लेकिन बशर्ते के फ़ायदा पहुँचना चाहिए उस औरत को जिसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। औरत मार्च को आप सपोर्ट करती हैं या औरत मार्च के आप अगेंस्ट हैं? अगर तो औरत मार्च में सिर्फ भंगड़े शंगड़े डालने हैं तो थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट वाला काम है, अदरवाइज़ अगर ये सपोर्ट करना है कि सच बोलूं, मुझसे अगर ये बोलें कि मैं अपनी बेटी से कहूँगी तुम औरत मार्च के लिए जाओगे तो मैं मना कर दूँ। ओके, मैं हर उस औरत से आज आपके तवस्त से एक सवाल करती हूँ, मैं ये नहीं कहती ये गलत है, शायद इससे मेरी उन बच्चियों को, उन बहनों को फ़ायदा पहुँचे जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, हालाँकि वैसे डिजिटल ने बड़ा कमाल किया हुआ है, लेकिन
अगर कोई भी औरत बहुत सफ़र करती है, बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारती है, बड़ी मुश्किल से किसी इस मुकाम पे पहुंची है कि वो बात कर सके, ठीक है, अपने हक की आवाज़ उठा सके, उससे पूछें आप अपनी बच्ची को भेजेंगे ऐसी जगह पे? क्योंकि या तो ऑप्शन आपके पास है, आप उसे तकलीफ़ से बचा लें तो आप औरत मार्च में भेज दें क्योंकि वो उसका साथ दे रही, वो नहीं भेजेंगी क्योंकि उन्हें ये बात पता है और उन्हें ये बात समझ में आती है कि मैंने तो तकलीफ़ से जो सफ़र गुजारा बड़ी डिग्निटी से गुजारा है, बड़ी इज्जत के साथ गुजारा है, और सबसे बड़ी बात है मैं किसी मुकाम पर पहुंच गई क्योंकि मैं फोकस थी। आई एम रियली सॉरी, बड़ी इज्जत के साथ ये बात कह रही हूँ। मुझे लगता है वो बच्चियाँ फोकस नहीं हैं, क्यों कि वो एक इकट्ठा भीड़ चाल का हिस्सा बन गई, किसी को इस बात की मौके की नज़ाकत का पता ही नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आपका बहुत खूबसूरत दिन, बहुत प्यारा दिन जो कैलेंडर में गुलदस्ते की तरह तो सज गया, औरतों का दिन, और हम औरतों ने उसे मस्क कर दिया। शायद आज कराची में जिना ग्राउंड में बहुत बड़ा औरत मार्च हुआ और वहाँ पे दो या तीन आवाज़ें बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारे हकूक चाहिए, हमें हमारे राइट्स चाहिए। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर क्या ख़वातीन आज़ाद नहीं हैं? पाकिस्तान के अंदर क्या ख़वातीन को उनके हकूक मिलते हैं या नहीं मिलते? आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं एक आज़ाद मुमलिकत की एक आज़ाद शहरी हूँ और मैं बाकायदा ख़ुद बता रही हूँ मैंने कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजारी, मैंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है लेकिन मैंने बड़ी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारी है। आज मैं बहुत सारे काम करती हूँ, आपने मेरा स्टिचिंग यूनिट देखा है, नीचे अंदर मेरा किचन है, कमर्शियल किचन मैं रन करती हूँ, उसके अलावा मैं अपना घर अपने बच्चे देखती हूँ, मैं मीडिया में काम करती हूँ, मेरे सेशंस चलते हैं डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेज। आपको लगता है मैं आज़ाद नहीं? आपको लगता है कि इस टाइम आप मेरे घर के ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं और इस टाइम कोई और मेरे घर का बंदा नहीं? आपको लगता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ? कौन सी आज़ादी चाहिए हमें? क्या चीज़ चाहिए? हम चाहते हैं हमारे सरबरा ना हों? एक मुल्क की बात कर रही हूँ, एक मुल्क का सरबरा ना हो तो उस मुल्क का क्या हशर होता है? एक शहर की बात कर लेते हैं, उसका नाज़िम ना होगा तो उसका क्या हशर होगा? एक घर की, एक ख़ानदान की बात करती हूँ, जब उसका सरबरा मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसका शराजा बिखर जाता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सरबरा किसको बनाते हैं? सही, ठीक है, बात ये है, आपने ये कह दिया कि हमने मर्दों को सरबरा नहीं बनाना, औरतों को, तो माजरत के साथ इस बात को समझने की कोशिश करें, एक औरत का किया हुआ फैसला कितना को मजबूत और साबित होता है और मर्द की क्यों ज़रूरत पड़ती है। रब ने भी बहुत से उसूल बनाए हैं, हम उन उसूलों को चैलेंज करना चाह रहे हैं। रही बात मेरी बच्चियों को आज़ाद होने की, तो कराची के किसी शहर, किसी गली, किसी मोड़, किसी नुक्कड़ पर जाके खड़े हो जाएं, आपको लिबास से लेके हर चीज़ में वो आज़ाद नज़र आएंगी। इन सारे स्लोगन्स को आप अपने हाथ में पकड़ लें और मुझे बताएं कि इन स्लोगन के अंदर से कौन सा एक ऐसा बैनर आपने देखा है, ये तमाम औरत मार्च वाले मुझे बताएंगे, जिसमें लिखा हो कि हमें हक चाहिए। किस चीज़ का? कि मैंने मेडिकल की डिग्री हासिल की है और मुझे हुकूमत की तरफ से सख्ती से कहा गया कि 7 साल तक तुमने नौकरी करनी है, एज अ डॉक्टर तुमने काम करना है। लिखा है किसी ने? किसी ने ऐसा कहा है कि मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं अपने घर के अंदर एक ऐसा स्कूल खोल लूँ जहाँ उन बच्चियों को पढ़ाऊँ जिनको तालीम मिलने की इजाज़त नहीं है, और मेरे स्कूल को बाकायदा लाइसेंस दिया जाए, पेरेंट्स ना रोक, खासतौर पर चलें पेरेंट्स को छोड़ें, बाप ना रोक सके, भाई ना रोक सके। कौन करता है? आपके घर के अंदर जो बच्ची पढ़ रही, काम कर रही है, जो पोछा लगाती है, क्या आपने उससे पूछा है कि वो पढ़ना चाहती है या नहीं पढ़ना चाहती? मैं अभी रिमोट एरियाज़ की बात नहीं कर रही, आप में से कितनी लड़कियों ने ये बैनर उठाया है कि जितने गांव देहात हैं वहाँ पर जो औरतें कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, हम उनके लिए वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, हमें सिर्फ इतना तहफ़ देते कि हम वहाँ पर खड़े हो जाएं? आप हुकूमत से तहफ़ मांगिए ना, बींग अ फीमेल जा रही है ना, शायद आपको वहाँ के लोग आतंक कर रहे हों, शायद उन लड़की औरतों को भी तंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको तहफ़ है। जाएँ सिलाई घर खोलिए, जाएँ उनको अच्छी वेजेस पे हायर कीजिए। कितनी औरतें होंगी आपके साथ जो बैनर पकड़ के खड़ी होंगी और जिन्होंने वहाँ से साड़ियाँ भी बनवाई होंगी, चादरें भी बनवाई होंगी, कढ़ाई के कुर्ते भी पहने होंगे, बेडशीटें भी बनवाई होंगी, लेकिन माजरत के साथ उन औरतों को कम ही पे करती हैं, कमाती ज़्यादा हैं उन्हें कम पे करती हैं। तो हम तो अपने साथ नहीं सच्चे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप लोग गलत करें, भाई कोई तो उठेगा, कोई आवाज़ पैदा करेगा। आज आपने आवाज़ उठाई, 4 साल हुए, लेकिन एक आज आवाज़, उस आवाज़ के अंदर मैं अपनी आवाज़ मिलाती हूँ। आएँ पहले अपने स्लोगन्स ठीक करते हैं, आएँ अपनी मांगे ठीक करते हैं, आएँ हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं। हम आप किससे मांग रहे हैं? अपने घर में पैदा किए हुए अपने ही बेटों से? नहीं भाई, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। आएँ चलकर उन लोगों से बात करें जो अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओं के सर पर हाथ नहीं रखते, तो उसके लिए हम उन बहनों को इतना मजबूत तो बना दें। किसने कहा है मजबूत बनाएं?
आप 4 साल के अंदर से तमाम औरत मार्च वालों से मेरा क्वेश्चन है, किसी एक ने कहा हो हमारी औरत को मजबूत बनाएं? किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान की औरत को आज़ाद करते, नहीं भाई, नहीं आज़ादी चाहिए, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, मजीद कौन सा मुल्क लेंगे हम। हमें मजबूती चाहिए, हमें एहसास चाहिए, हमें तालीम चाहिए, ये हैं स्लोगन्स हमारे। हम अपने बच्चों के साथ मिलकर खड़े होना चाहते हैं। एक और स्लोगन बना देना, माएँ बूढ़ी हो जाए तो बेटे उन्हें घर से ना निकाला करें, और अगर बहुएँ करें तो बहुओं को भी घर से निकाल दिया जाए। ये स्लोगन बनाते हैं, आए कम अज़ कम ये तो बना लें कि हम अपनी तरबियत पूरी करें। आज का दिन हमने ज़ाया कर लिया है, हमें आज का दिन अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें ये बताना ज़रूरी था कि हमने क्या किया है, कौन सी पुरानी यादें ताज़ा की हैं, कौन सा मादरे मिल्लत का नाम आपने ले लिया, राणा लियाकत अली खान साहबा का नाम ले लिया, किसी एक का नाम ले लें भाई, किसी एक का नाम ले, किसी का तो लेते। आज जो लोग, मैं किसी को ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती, इतना कोविड गुजरा, सीमी जमाली साहबा को देखिए हॉस्पिटल के अंदर बैठी रही हैं, किसकी मदद नहीं करती रही, मेरी बहुत सारी बच्चियाँ। मेरे आज का दिन आपको चाहिए था उन डॉक्टर्स लड़कियों के नाम पे करना जो अपने घरों में अपने बच्चे छोड़कर आती थी और उसके बावजूद आके कोविड के पेशेंट को देखती थी। आप में से किसी ने आवाज़ नहीं निकाली, एक बैनर को मैं तरस गई कि कोई ये कहता कि हमारी बच्चियाँ ये काम कर रही थी, किसी एक बैनर पर यह नहीं लिखा हुआ था कि मेरी नई नस्ल जो मेरी माओ ने तरबियत की है, मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ लोगों के घरों में राशन बांट रही थी, किसने लिखा था? किसी एक ने भी नहीं लिखा था। हमें जीन्स पहननी है, क्या उस जीन्स के पहनने के बाद अगर मेरी रिमोट की औरत को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है, उसके घर में राशन पहुंच रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है, तो आ जाए सब पहनना शुरू कर देते हैं भाई। अगर आपके बड़े बड़े गले पहनने से उसको कुछ फ़ायदा पहुंचता है, उसके सर की चादर मजबूत रहती है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती, तो सब पहनना शुरू कर दो, मना नहीं करती, लेकिन मुझे बताना ज़रूर कि क्या इस तरह की बातें करने से इंतशार फैलता है या मोहब्बत फैलती है, आप करना क्या चाहते हैं। प्लीज़ ये तमाशा ख़त्म कर दें। और एक और बात आप सबसे कहूँगी, उन तमाम पढ़ी लिखी औरतों से कहती हूँ, US का निकालिए वुमेंस डे का एजेंडा, निकालें और देखें उनके नकात क्या और आपके नकात क्या। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मर्द क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन्हें ये पता है कि मैंने अगर बच्चा पैदा किया तो उसके राइट्स क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, सिंपल, वो टू द पॉइंट बात करती है। इतनी प्रैक्टिकल औरत है, हैरत है, उनकी औरतें इतनी प्रैक्टिकल और हम सारी की सारी जाहिल हो गई पढ़ी लिखी। खुदा को माने, आज का TV देखिए, आज के दिन के तमाम चैनल्स देखिए जिसके अंदर बड़ी बड़ी ख्वातीन आई हैं। अब तो माशाल्लाह से फ़ौज के अंदर हमारी लड़कियां काम कर रही हैं, और आप क्या चाहते हैं। मैं तरसती थी, मैं खुद बता रही हूँ, मैं तरसती थी मैं फ़ौज में चली जाऊँ, नहीं जा सकती थी, लेकिन आज हमारी बच्ची फ़ौज का हिस्सा। आपकी फिर इस पर भी तकलीफ़ है हमें, बाइकर्स हैं, पूरा पूरा मुल्क अकेले घूम कर आ गई हैं और आप कह रहे हैं आज़ादी नहीं है, पूरा मुल्क मोटरसाइकिल पे अकेले फिर के आ गई है और आप कह रहे हैं आज़ादी नहीं है, वो अकेली उठ के माउंट एवरेस्ट चल जा रही हूँ जी सर करने, आप कहते हैं आज़ादी नहीं है, कौन सी आज़ादी चाहिए आपको, पहले ये तो डिफाइन करें आज़ादी किसे कहते हैं। अब एक और बात आपसे कहती हूँ, औरत मार्च थी, तमाम चैनल्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अच्छी बात है, आप चाहते हैं मीडिया हाइप मिले आप लोगों को, बोल वालों का क्या कसूर था, ये बच्चा सुबह से वहाँ पर खड़ा है और सिर्फ अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तब उन लड़कों को भी मारा गया। हम औरतें हैं, हम जंगली, और हम पत्थरों की दुनिया में वापस जाना चाह रहे हैं, तो चले आए चलते हैं फिर से, वैसे ही तेल बहुत महंगा हो गया, कोई बात नहीं छोड़ो, पर कोयला शोला जला लिया करेंगे, दरख्त रुख काट लेंगे, लेकिन ये हरकतें मत करें। पढ़ी लिखी ख़वातीन का मयार दूसरा है, सोच दूसरी है, हरकतें दूसरी हैं, हमारे हकूक दूसरे हैं, हमारी बातें दूसरी हैं। प्लीज़ अपना पढ़ा लिखा होना ज़ाया मत करें, दुनिया को ये चेहरा मत दिखाएं कि हम जाहिल कौम हैं, प्लीज़ ये काम मत करें, हम बहुत पढ़ी लिखी कौम हैं, हमारे चाहे हुक्मरान, चाहे हमारे घरों के मर्द, चाहे हमारी माएँ, हमारी तो मतलब इसी मुल्क से बेनज़ीर थी, इसी मुल्क की बेटी है वो, तो उसने दुनिया में नाम पैदा किया और आप कह रहे हैं हम आज़ाद नहीं हैं, तो प्लीज़ ये वाला रूप मत दिखाएं, दिखाएं कि औरत कितनी मजबूत है, होना ये चाहिए था आपको, दिखाना ये चाहिए था, औरतें खड़ी हैं और जिनके साहिबान जिनके रखवाले यही लड़के हैं, यही लड़के खड़े हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये बच्चा सुबह से निकला हुआ है, आपका सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा है, ये नहीं इससे इसकी रोज़ी जनरेट हो रही है, उसकी रोज़ी और बहुत सारी चीज़ों से जनरेट हो रही है, वहाँ से खड़े होकर फोटोएँ भी खींच लेता, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन अगर वो कोशिश कर रहा है तो आप उसकी कोशिश को सही डायरेक्शन में रहने दें, इस तरह मत कीजिए। ये काम कर रहा है तो शायद ये गलत कर रहा होगा और पैसे के लिए कर रहा होगा, और आप सवाल जो कर रही हैं वो तो बिल्कुल हक़ुल्ला है,
ये बात गलत है। मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे घर की बच्चियाँ मजबूत हों ताकि कोई उन्हें यूज़ ना कर सकें। टैलेंट बहुत मौजूद है, लड़के लड़कियाँ बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, जो टैलेंट हमारे अंदर मौजूद है कि हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ करियर काउंसलिंग पे काम करें। मैम आखिरी सवाल आपसे, सवाल ये है कि अगर मर्द सिगरेट पीता है तो वो उसकी आदत है, वो उसकी आदत बुरी है, और अगर औरत सिगरेट पीती है तो वो औरत बुरी है, इस पर क्या कहेंगे आप? मर्द सिगरेट पीता है तो उसकी आदत बुरी है, ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि घर में जब बेटा सिगरेट पी रहा होता है तो माँ उसको डांट किस हद तक सकती है, बेटा ये गंदी आदत है, इससे तुम्हें नुकसान पहुँचेगा, और बेटी को डराती है कि बुरी औरतें पीती हैं। कौन होती हैं बुरी औरतें? ये अब आपको खुद जवाब दे देना चाहिए अपने आप को। वही हैं जो बड़े गले पहनती हैं, जो कहती हैं मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, उस तरफ जाने नहीं देना चाहती। कहने का मतलब यह है बेटी बहुत नाजुक चीज़ है, उसको छुपाना, उसको बताना, ये नहीं कि उसे पढ़ने नहीं देना, उसको तालीम याफ्ता करना, बट उसकी सोच को गलत रास्ते पे नहीं जाने देना। उसकी वजह सबसे बड़ी है क्योंकि उसने कल को अपने बेटे की तरबियत करनी है। Yes. आपको ये बात क्यों नहीं समझ? एक लड़के का ये सिगरेट पीता है, ये स्माइल करेगा, इसके दांत पुरे हैं, आप कहेंगे हाँ अच्छा दांत पुरे, आपके दांत ख़राब हो जाएंगे, कितनी मुसीबत होगी, मुझे 100 टोटके देने पड़ेंगे आपको दांत साफ़ करने के लिए, और आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप सिगरेट पियेंगी तो आपके पेट से जो बच्चा जना जाएगा उसकी तबीयत ख़राब होगी, आपकी वजह से तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आती है, किस तरह समझाएं? हम आपको अच्छा समझाएं तो गलत है, हम आपको बुरा समझाएं तो गलत है। बुरी अच्छी औरत कहीं नहीं होती, छुपी हुई आपके अंदर। तो प्लीज़ अच्छी ताकतें बुरी ताकतें आपके अंदर हैं, इसको नफ्स कहा जाता है, तो ज़रा देखकर उन आदतों को बाहर आने दें, उनको आदत बनाएं, उन चीज़ों को बाहर आने दें, उन ख्वाहिशात को बाहर आने दें, और कोशिश करें कि आप अच्छे ही दिखें और अच्छा ही देखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने के वक्त दिया। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम मैम मौजूद हैं, और उसी के साथ 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 लाइक साइकोथेरेपिस्ट भी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, और मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। वाल जनाब, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा और मैम ने जो जवाब दिए, अगर आपको दिमाग में कोई सवाल आए, आप कोई कॉमेंट करना चाहें तो आप नीचे कर सकते हैं, जो आपका सवाल होगा वो अगली दफ़ा हम मैम से दोबारा पूछ लेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपको सवाल करना है 100 दफ़ा करें, मेरे पेज पे जाके करें, इनके पेज पे जाके करें, मैं जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज़ लफ्ज़ों का चुनाव सोच समझ कर किया करें। उसकी वजह यह है कि आप तो लिख देते हैं, ये सोशल मीडिया है, ये खाली आप नहीं पढ़ रहे, आपके मुल्क के बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपके शहर के लोग नहीं पढ़ रहे, आपकी हाइप नहीं बन रही, दुनिया पढ़ती है। तो मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करें, ये खाली अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ, प्लीज़ लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा करें। मैंने किसी का दिल आज़ारी नहीं की है, मैंने कोशिश की है किसी का दिल ना दुखे, तो आप भी कोशिश करें, बस इतनी कोशिश करें, चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं, किसी को आपसे तकलीफ ना पहुँचे, बस आप बेहतरीन इंसान बन जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेल जनाब, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें, ये गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। हमारे साथ मौजूद थी मैम सलमा ज़फ़र, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली दफ़ा एक लाइक नए सेलिब्रिटी के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।